नमस्कार साथियों, अभी आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर कि बिहार STET का जो पेपर होने वाला है उससे रिलेटेड एक न्यूज़ है। आज कई जगहों पर छपा है इसके रिलेटेड, पटना में भी, गया में भी। अभी जो आप देख रहे हैं ये नवादा संस्करण है प्रभात खबर का, इसको आप ऑनलाइन खोल सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 23 सेंटरों पर 11,828 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। अब इससे क्या ये कन्फर्म होता है कि 7 तारीख को, मैंने ये पूरा पढ़ा है कि 7 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है, ये न्यूज़पेपर वाले क्या कर रहे हैं? देखिए इस तरह का आर्टिकल न्यूज़पेपर में कई बार छप चुका है। ये लोग जाते हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास, वहाँ से उससे बाइट ले लेते हैं कि हाँ भाई कहाँ कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर पर एग्ज़ाम होने वाला है, कितने स्टूडेंट आने वाले हैं, क्योंकि उनके पास सारा लिस्ट है। और अभी ये लोग इस तरह से करके अखबार में छाप देते हैं। 30 तारीख तक अगर एडमिट कार्ड आ गया फिर तो पेपर होगा 7 तारीख को, अदरवाइज अगर 30 तारीख तक एडमिट कार्ड नहीं ये लोग रिलीज़ करते हैं फिर ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम डिले होगा। इसके रीज़न कुछ भी हो, चाहे कोर्ट केस हो या बीच में त्योहारों का आ जाना हो, पर सेंट्रल ऑफिस से, मतलब कि पटना के ऑफिस से सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को इस बारे में लेटर गया था एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, पर अभी तक एडमिट कार्ड का कुछ अता पता नहीं है। ये जो एग्ज़ामिनेशन के रिलेटेड जो न्यूज़ आ रहा है वो बस इतना ही रहता है कि इतने स्टूडेंट आने वाले हैं, इतने जगह पर सेंटर बना दिया है। बाकी जो कुछ भी ऑफिशियल अपडेट हुआ तो हम उसको अपडेट करते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कुछ भी न्यूज़ आया एग्ज़ाम के रिलेटेड तो उसको हम पोस्ट कर देंगे। थैंक यू।